हे गैस, कैसे हो आप सब? सो गैस, आज के वीडियो में हम लोग दो तीन डाउट जो है बीजेएम का वो क्लियर करने वाले, और उसके बाद पबजी मोबाइल के अंदर जो एक्सक्लूसिव एक मोड है जिसमें आप खुद से घर क्रिएट कर सकते हो वो देखने वाले। अभी तक मैं एक बार भी ट्राई नहीं किया, तो लाइव देखने वाले क्या होने वाला उसके अंदर। तो पहले बीजेएम का डाउट क्लियर कर देते क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते रहते। तो आज फाइनली 15th ऑफ जनवरी हो चुका है। मैं आपको पहले बता दिया था कि आज आपको कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न बहुत सारा है कि जब भी कुछ भी चीज़ आता है तो ऐसा नहीं कि इतना सन्नाटा होगा, वो पहले कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आज कुछ होने वाला है। और सेकेंड चीज़ ये है कि संडे है, तो संडे को तो भाई ये सब चीज़ कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इवन इन गेम बहुत सारा चेंजेस तो आपने देख लिया होगा, जिसके चलते तो आपका जो डाउट वो क्लियर हो चुका है। जस्ट 15 तारीख का केवल एक रिमर्स था और कुछ भी नहीं, एक्चुअल में कुछ भी नहीं होने वाला आज के दिन। मैं इसलिए इसको कवर कर दिया कि बहुत लोग उम्मीद करके बैठते हैं ना, तो भाई मत उम्मीद करो, कुछ भी नहीं होने वाला। सेकेंड जो डाउट ये है कि कुछ बंदे मुझे कमेंट सेक्शन में कल पूछ रहे थे, इवन डिस्कॉर्ड में पूछा गया था कि भाई अभी जो सीज़न वो ख़त्म होने वाला और मैं जस्ट अभी एस पहुँचा हूँ 3 सीज़न लगातार, तो मुझे वो जो होवर बोर्ड, इधर आपको पता साइकिल रिवॉर्ड में हम लोग होवर बोर्ड उसका सब मिथिक आउटफिट और मिथिक हेडगियर जो है वो मिलने वाला था, बट अभी अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ मिल नहीं रहा। अगर आप लगातार एस 3 सीजन ही पहुंच चुके होंगे तब भी आपको ये होवरबोर्ड नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ को भी मैं पहले कवर किया था, जिसमें मैं आपको बोला था जब से ये वाला चीज़ आया है RS वाला, मतलब ऐड हुआ या जो भी ग्लिच हुआ है, उसके बाद से अगर आप 3 सीजन एस भी गए होंगे ना तब भी होवरबोर्ड नहीं मिल रहा। जो जो बंदे स्टार्टिंग में होवरबोर्ड ले लिए तो उसका एक यूनिक चीज़ हो गया उनका इन्वेंट्री में। अभी अगर आप लास्ट मोमेंट में एस जा रहे हो 3 सीजन, या क्राउन जा रहे हो या डायमंड जा रहे हो, तो आपको ये वाला चीज़ नहीं मिलने वाला। ये अभी ग्लिच्ड आउट हो गया और आगे जाके मुझे लगता नहीं है कि और भी ये चीज़ मिलने वाला। अभी आगे जाके देखने वाला बात ये होगा कि जो हम लोग का अभी करेंट सीजन जो भी आने वाला है, मतलब साइकिल या RS1, उसमें अगर हम लोग डायमंड टियर जाते हैं या हम लोग बोल सकते हो क्राउन टियर जाते हैं या ये एस टियर जाते हैं, तो क्या हम लोग का ये बढ़ेगा कि नहीं वो हम लोग को देखना पड़ेगा। बट करेंटली जो जो बंदे अभी जाके एस पहुँचे, क्राउन पहुँचे, डायमंड पहुँचे, तो आप थोड़ा सा अनलकी हो क्योंकि आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। चल, मैं केवल इमेज दिख रहा, आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो ग्लिच्ड आउट हो चुका है। आगे जाके मिलेगा भी कि नहीं वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा जब वो चीज़ आ जाएगा। तो ये दो डाउट जो था वो मैं क्लियर कर दिया। अभी हम लोग आते हैं पबजी वाले के अंदर। ओके गाइस, जैसे कि आप देख पाए पबजी वाले ग्लोबल बीटा में हम लोग आ चुके हैं, और फाइनली UGC जो मोड है जिसमें आप खुद से मोड क्रिएट कर सकते हो वो आ चुका है गेम के अंदर। बट मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली सही से नहीं आया। अगर अभी आप क्रिएट करना चाहोगे तो क्रिएट नहीं होगा। मुझे लगा कि क्रिएट करना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जब भी आप कुछ भी खुद से मोड क्रिएट करोगे इसमें आपको क्रिएट मोड में क्लिक करना होगा, और इधर आप देख पर कमिंग सून लिखा हुआ था, ये अभी तक आया नहीं है। उसके साथ साथ आप देखो माय मोड दिखाई दे रहा, मतलब जब आप क्रिएट कर लोगे, 2-3 मोड क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आप जितना भी मोड क्रिएट करोगे उसका एक लिस्ट आएगा, कौन सा मोड आप देखना चाहते हो वो खुद से देख लेना। एक काइंड ऑफ वर्ल्ड रहेगा जिसमें आप क्लिक करके एंट्री ले सकते हो, और उसके साथ साथ अगर आपका फ्रेंड बहुत ही अच्छा मोड बनाया है तो उसका एक ID होगा, तो ID आप खुद भी लिख के उसका मोड में जा सकते हो या खेल सकते हो। और नहीं तो आप अपना खुद का भी मोड अगर आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ दे सकते हो। अगर आप कोई यूट्यूबर हो तो आप अपने जो सब्सक्राइबर उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, सो डैट आपका वो जो मोड है वो सब खेल पाए, ठीक है। इस टाइप का होने वाला फिलहाल। अभी आप देख पर ये सब फीचर भी आया नहीं है। कुछ कुछ पॉपुलर जो मॉड्स है ना, जो ऑलरेडी पबजी वाला खुद से बना के दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर आपको दिखाई दे रहा है हॉट में, आप देख पा रहे कुछ पॉपुलर मॉड्स आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ आप देखो ऑल में सब कैटेगरी का आपको दिख जाएगा। उसके साथ BR मतलब बैटल रॉयल कैटेगरी में जो जो मॉड्स बनाए वो आपको दिखाई देगा, और उसके साथ साथ आप देखो TDM में बहुत सारे मॉड्स बनाया हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है। तो अलग टाइप का आपको सब कुछ दिखाई देगा, जैसे 8 vs 8 आपको दिखाई दे रहा है, 1 vs 1, उसके साथ 8 vs 8, ईजी, हार्ड, मतलब खुद से आप ये सब क्रिएट कर सकते हो और दूसरे के साथ आप खेल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, खुद से आप डेवलप करो, एक काइंड ऑफ माइनक्राफ्ट वाला फील देगा। माइनक्राफ्ट में क्या होता है कि SMP क्रिएट करो खुद से, अपने SMP में बंदे लोगों को बुलाओ और अलग से एक स्टोरी लाइन नरेट करो और बहुत सारा एक्सप्लेन करो, लोगों को और भी इंटरेस्टिंग लगता है। वो गेम से आप अलग अलग चीज़ डेवलप कर सकते हो ये मोड वाला कैटेगरी से। कैसे आप इसमें अपना एक बोल सकते हो क्रिएटिविटी डाल के एक बेहतरीन सा चीज़ इसमें इनोवेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ तो जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप देख पा रहे हो इधर हम लोग मेल बॉक्स में चलते, रूम कार्ड भी दिया जा रहा है, 30 डेज रूम कार्ड, ओ भाई। तो एक्चुअल में इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता। इसमें लिखा रूम कार्ड ग्रांटेड अनलिमिटेड रूम क्रिएट, तो इसमें आप रूम क्रिएट कर सकते हो। और मुझे लगता है उस टाइम देखते ओके एक सेकेंड, ओके ये चीज़ अभी आया नहीं, ये शायद से इसमें यूज़ होगा इसलिए दिया गया, ऐसे 40 में तो देगा नहीं। तो फ्री में आपको 30 डेज रूम कार्ड मिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो रूम आप क्रिएट कर सकते हो, माइट भी कुछ चीज़ें के लिए ये किया जा रहा। अभी मैं उसको एक्टिवेट तो कर दिया हूँ बिन मतलब का, मुझे नहीं पता किस लिए मैं किया हूँ बट कर लिया हूँ। इधर आप देखो रूम कार्ड है, बट आप देख पर अभी वो रूम कार्ड यूज़ नहीं हो रहा एक्चुअल में, तो वो बाद में देख लेंगे कैसे किया जाए। क्योंकि इधर आप देखो UGC जो देख पा रहे ना, इसमें वो रूम कार्ड का यूज़ आपको देखने को मिलेगा।
तो फिलहाल तो हम लोग वेट कर लेते हैं, 29 डेज में वो आ जाएगा और उसके बाद मैं रूम कार्ड क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा कैसे आपको बनाना है। फिलहाल अभी वो चीज़ आया नहीं है। ओके गाइज, एक चीज़ मेरे समझ आया इतना देर भाई इधर घुमा फिरा के, तब समझ आया कि ऐसे तो मैच मेकिंग हो नहीं रहा, तो आपको करना ये कि जो आपको रूम कार्ड मिला है ना, तो रूम कार्ड का यूज़ करना होगा। और उसके बाद चलो कोई एक जगह में चेक कर लेता हूँ, इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फाइंड मैच नहीं करते क्योंकि लग नहीं रहा। सिंपली करते ये है कि क्रिएट रूम में क्लिक करते हैं और उसके बाद ये रूम को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं खुद से, देखते क्या है। 2 3 4 जो भी है क्रिएट करते, देखो अभी ये हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, सोलो भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अभी एंट्री मिल रहा है, अभी सही से आया नहीं है, बहुत सारा ग्लिच व्लिच दिखाई दे रहा है। तो एक छोटा सा क्लिप है वो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर ये सब लगता नहीं है ना तो वो दिखा दूंगा, क्योंकि वो मैं पहले ही कर लिया था रिकॉर्ड, थोड़ा सा रेसिंग टाइप का गेम था, कोई एक मॉड था वो सही से काम कर रहा था। बट उसके बाद आप देख पाए सबका सब अपना मैप ऐसे खुल रहा जिसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा, एक नॉर्मल क्लासिक मोड खुल जा रहा, एक्चुअल कुछ मोड उड हो रहा कि नहीं स्टार्ट समझ नहीं आ रहा। तो गाइस जैसे तैसे एक लगा है TDM मैप, और ये देख पा रहे हो ये इरेंगल के अंदर ना कौन सा मैप है, जहाँ आप देखो एक न्यू काइंड ऑफ TDM है जो कि खुद से इनोवेट किया गया। तो इस टाइप का आप चीज़ें बना सकते हो और स्टोरी बना सकते हो खुद से। तो इधर आप देखो कुछ नया नया चीज़ें हैं, और मुझे ये आइडिया नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, बट आप देख पा रहे हो ये भी एक क्रिएशन है और ये शायद 14 सेकंड में स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुआ है। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं, और अभी बंदे तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, बट इधर आप देख पा रहे हो ये थोड़ा सा ना CS:GO वाला जो फील है ना वो देगा, और या बोल सकते हो CS का जो पुराना वाला जो फील है वैसे आपको दिखाई देगा। एक क्रिएटिविटी है, नया नया क्रिएटिविटी आपको दिखाई देगा, जिसमें आप गन को सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है, फिर M4 को सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे करके आप सेलेक्ट कर पाओगे, और उसके बाद आप फायर कर सकते हो। तो ये एक डेवलपमेंट में चल रहा है, इस टाइप का आप बहुत सारा खुद का भी TDM मैप बना सकते हो, खुद से आप क्रिएट कर सकते हो कैसे ऑब्स्टिकल होगा, कैसे बंदे को आपको मारना है, क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा बहुत आपको लिविंग वाला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सही से भी आया नहीं है, क्रिएट नहीं किया गया, इधर आपको आगे जा ही नहीं रहा कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये बनाया तो गया है मतलब, तो सही से नहीं बनाया गया, तो ये सबको आपको ठीक करना पड़ेगा। और जितना अच्छा देखो इधर अभी केवल देखने के लिए इधर जा नहीं रहा एक्चुअली में ये रोड में, ठीक है देखो। तो ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक मोड था, चलो अभी एक और मोड में देख लेता हूँ। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे एक और जगह हम लोग आ चुके हैं, ये भी काइंड ऑफ TDM जैसे ही है, और ये भी कोई डेवलप किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो छोटा सा एक मैप आपको दिया जाएगा और उसमें आपको क्रिएट करना होगा अपना क्रिएटिविटी, ठीक है। तो आप देख पा रहे ये तो शायद लग रहा है स्नेहा पोचिंकी वाला थीम, और इसमें शायद बंदा खुद से क्रिएट किया है, ये TDM है ना क्या है नहीं पता, जो भी है इधर आप देख पा रहे हो ये सब चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी ये सब डेवलपमेंट में, जस्ट एक का बोल सकता हूँ काइंड ऑफ आइडिया हो रहा है कि किस टाइप का क्रिएट करना है। एक छोटा सा मैप दिया जाएगा, उसमें ऑब्स्टेकल आपको सेट करने का मौका मिलेगा। तो चलो ये स्टार्ट हो चुका है, नहीं पता क्या है ये, आपका कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे जगह कैप्चर करना, जैसे ए पॉइंट आपको कैप्चर करना, बी पॉइंट, तो उस टाइप का ये क्रिएटिविटी है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा भाई, आप देख पा रहे हैं 100 मीटर है, तो जगह में हम लोग कैप्चर करने वाले। तो मल्टीप्लेयर अगर आप मोड खेले हो ना कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, तो आपको ये सब का आइडिया होगा किस टाइप के वर्क करेगा। पर हेल्थ किस घट रहा है, पीछे बंदा था ना शायद बॉट, तो इधर आप देख पा रहे इसका हम लोग कैप्चर करना होगा शायद ऐसे। ओके, इधर आप देख पा रहे 2% कैप्चर हुआ ना क्या हुआ, तो ऐसा कैप्चर करना होगा, काइंड ऑफ डोमिनेशन जैसा है और इसमें कैप्चर करने वाला चीज़ है। और भी इधर आप देख पा रहे क्या है, अच्छा इधर गन मिलेगा, तो ठीक है, तो अब समझ में आ चुका होगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया कि इस टाइप का आप मोड सब क्रिएट कर सकते हो और उसके साथ साथ स्टोरी भी बना सकते हो। आगे जाकर और भी डिटेल समझने वाले कि किस टाइप का इसको हम लोग अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं, सो लोगों को और भी पसंद आ हो सके। तो फ्यूचर में हम खुद से खुद का मोड क्रिएट करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे, जो आप भी खेल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।